आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। दुमका और बेरमो की जंग मंगलवार को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान तैयारी पूरी। दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव के लिए मंगलवार को वोटिंग होगी, इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक होगा। 10 नवंबर को मतगणना होगी। दोनों ही सीट पर सत्ताधारी महागठबंधन और बीजेपी के बीच मुकाबला है। दुमका से बीजेपी की लुईस मरांडी और शिबु सोरेन के पुत्र बसंत सोरेन के बीच टक्कर है, तो बेरमो में बीजेपी के योगेश्वर महतो बाटुल और कांग्रेस के अनूप सिंह में मुकाबला है। बता दें कि बसंत सोरेन सीएम हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं। दुमका में 12 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें 7 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। वहीं बेरमो में 16 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। इधर बेरमो और दुमका विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए सोमवार को पोलिंग पार्टियां बूथ के लिए रवाना हुई। मतदान करवाने के लिए ईवीएम एवं अन्य जरूरी सामान के साथ अपने तय बूथ पर मतदान कर्मी पहुँचने लगे हैं। कोरोना काल में हो रहे चुनाव को लेकर बूथ पर वोटरों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने वाले गोल घेरे में कतारबद्ध करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मास्क और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी सभी बूथों पर रहेगी।